नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाई। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। हाँ भाभी, जो ये लॉकडाउन के तहत जो गरीब जनता है उनको खाना आप कितने दिन से मुहैया करवा रहे हैं? पिछले 14 दिनों से यहाँ की जरूरियात मंदों के लिए पंचमुखी हनुमत धाम, ITI रोड नरोड़ा, अहमदाबाद से व्यवस्था की गई है। लोग नौकरी नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए जिनको अति आवश्यक है, भोजन की ज़रूरत है, तो हम लोग भोजन बना करके सभी ज़रूरियातमंदों को यहीं से देते हैं। और ये कार्यक्रम पिछले 14 दिनों से आज 14वां दिन है और मैं समझता हूँ इसको 14 तारीख तक फिलहाल चलाने की इच्छा है, क्योंकि 14 तारीख तक शायद लॉकडाउन रहेगा, संभावना है। कल प्रधानमंत्री जी का निवेदन आने वाला है, संभावना है कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा। यदि बढ़ेगा तो मैं अहमदाबाद की क्या स्थिति है और कितने दर्दी मिलते हैं, यदि दर्दी ज़्यादा मिलते हैं तो शायद हम एक विचार ये भी कर रहे हैं कि इस विषय को बंद भी करना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस जरूरी है। और जिस तरह से अहमदाबाद में कोरोना के दर्दी हैं उसको देख करके हम शायद इसको बंद भी करें और सब ठीक रहा और लॉकडाउन चालू रहा। ठीक रहा माने दर्दी कम पकड़े गए, इस एरिया में नहीं हुए और लॉकडाउन चालू रहा, तो मैं प्रयास करूंगा इस कार्यक्रम को अनवरत चालू रखने का। ये कार्यक्रम का आपने कहा कि पिछले 14 दिन चला है और अभी हो सकता है अब आगे भी चले, इसमें सुबह शाम दोनों टाइम सुबह की संख्या कम होती है, लेकिन हाँ मुख्यतः जितने भी लोग आ सकें शाम के लिए, सभी के लिए हम लोग सरकार के नियमों का पालन करते हुए पब्लिक डिस्टेंस रखते हुए, आप लोग भी देख रहे हैं कि हम गोल राउंड बनाए हैं, राउंड में खड़ा होकर के वहाँ से उनका जब क्रम आता है तब वो भोजन ले सकते हैं। जिनके मुख पर मास्क नहीं है उनको हमने ये भी कहा है कि उनको भोजन नहीं दिया जाएगा, मतलब नहीं देने का हमारा तात्पर्य उनको नहीं मिले ऐसा नहीं है। इसके कारण वो अपने मुख पर मास्क लगा करके आएंगे। हम सेवा के साथ साथ हमारी प्रजा का सुरक्षा रहे इसे हमें खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहाँ पे आप लोग आपका मंदिर है वहाँ स्लम विस्तार ज़्यादा है, गरीब पर ज़्यादा है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ स्लम विस्तार है और गरीब विस्तार के लोग हैं, उसके साथ साथ ये सारी प्रजा मंदिर से जुड़ी हुई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है। हम कितना कर सकते हैं वो महत्व का नहीं है, हमसे जितना हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। और संतों का युगों युगों से ये काम रहा है तो हमें जरूर ही ये काम करना चाहिए, क्योंकि इसी गुजरात की प्रजा और इस देश की प्रजा संतों को खूब सहयोग दिया है, तो जब आपत्ति काल आई है तो हमसे जो बनता है हमें करना चाहिए। ये संस्था अकेले ही कर रही है, फिर और कोई संस्था सहयोग है नहीं? संस्था अकेले कर रही है, लेकिन कभी कोई आटा चावल दाल भी कोई भेज देता है। लेकिन हाँ मैं आपको बताऊं, हमारे दूसरे जगह पर रथ यात्रा भी होता है, हम पिछली अभी 8 तारीख जब गई इस जगह पर लगभग 25,000 लोग भोजन करते हैं हनुमान जयंती के दिन, लेकिन उसमें हम सबका सहयोग लेते हैं। देखो ये भगवान की कृपा देखिए कि पहली बार ये जो पब्लिक के लिए कार्यक्रम रहा है, हम किसी उद्योगपति से या किसी से या पब्लिक से कुछ अपेक्षा नहीं रखे कि हमको आप दे दीजिए, हम करते गए हमारे पास जो व्यवस्था थी करते गए, लेकिन जब हम प्रारंभ किए तो शैक्षिक संस्थाएं जो हमारे से हमसे संबंधित हैं, जो उद्योगपति हैं, तो उनका सहयोग मिलता रहा और चलता रहा, फिर हाल भी कोई तकलीफ नहीं है। भोजन के मेनू में क्या आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ, मैं इस महामारी जब पूरे देश और दुनिया में महामारी फैली है तब मैं संतों को और देश के जो संत महापुरुष हैं जो हिमालय से लेकर अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा,
पूरे देश में तीर्थस्थलों में जो संत महापुरुष हैं, संतों में बड़ी शक्ति रही है। ब्रह्मा के विधान को दो व्यक्ति मिटा सकता है, भगवान शंकर खुद या संत। तो मैं संतों के चरणों में भी प्रार्थना करके कहना चाहता हूँ, जब हम देश में बड़े आंदोलन किए तो हम अनुष्ठान किए थे जिससे हमको सफलता मिली, तो इस समय भी सरकारें खूब काम कर रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी खूब काम कर रहे हैं, गुजरात के सीएम विजय भाई भी खूब काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब संतों का, हम सभी धर्माचार्य का ये दायित्व बनता है कि हम अपनी अपनी साधना से हम भगवान के चरणों में, आप जो भी हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस संप्रदाय को मानते हैं, हिंदू और हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं और आप प्रार्थनीय हैं, प्रार्थना करते हैं, कर सकते हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सभी संतों का दायित्व बनता है कि इस कठिन काल के समय में, इस महामारी के समय में, हम भगवान के चरणों में भी प्रार्थना करें, साधना करें कि भगवान हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे देश की गरीब प्रजा और सभी के लिए, दुनिया के लिए, इस महामारी से बचावें। और त्राहिम त्राहिम मचा हुआ है, हम भारत की ही चिंता नहीं, जब लोग मर रहे हैं तब हम पूरी दुनिया की चिंता करते हैं, क्योंकि संतों का ऐसा भाव रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवति। संतों की बात मानते हैं लोग और संतों को आज भी सम्मानित करते हैं, तो बात करें तो आप संत हैं तो खास करके कि अहमदाबाद में केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, आज भी 70 केस आ गए, तो खास करके अहमदाबाद की जनता को क्या फील करें? मैं इस समय जब अति संकट का समय है, तब मैं अहमदाबाद और अहमदाबाद सहित, केवल अहमदाबाद की बात हम नहीं कर सकते, हम सहित गुजरात भर के सभी एक एक व्यक्ति से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करके बहुत बड़ा काम किया है, उससे हमें दूरी भी बनेगी, हम एक दूसरे के संपर्क में कम आएंगे, जिससे कोरोना हम तक नहीं पहुंच पाएगा। आप अपने अपने घरों में रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, संकट आया है, जब अंधेरा आया है तो सूर्योदय भी होगा, प्रकाश भी आएगा, इसलिए हम अपने अपने घरों में रह करके, जरूर ही लोगों को तकलीफ होती होगी, बाहर जाना और लोगों से मिलना, सब्जी लाना, अनेक प्रकार, लेकिन थोड़ा ये कष्ट सह करके रहेंगे तो हम इस कठिन काल से और कठिन रोग से हम बच सकेंगे। और मैं आपके माध्यम से गुजरात और देश भर के सारे डॉक्टर्स, पत्रकार, पुलिस बंधु सबको खूब खूब अभिनंदन देता हूं। आप लोगों ने भी पब्लिक के बीच में, जब लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, दूरी बना के रखना चाहते हैं, उस समय भी आप लोग अपना, अपनी डर को निकाल करके, परिवार के चिंता किए किए बिना आप लोग पब्लिक में जा करके, पब्लिक को डिस्टेंस रखने के लिए, जानकारी देने के लिए जो आप मुहिम चलाए हैं, भगवान डॉक्टर्स, पुलिस, पत्रकार और तमाम सेवाभावी संस्थाओं को, सभी को भगवत कृपा हो और हमारा देश